सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में अब बात करने वाले हैं रेन मैन प्रॉब्लम. ओके, जब हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर रेन मैन प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली. यहाँ पे अलग अलग केसेस हैं, तो सबसे पहला केस हम देखते हैं जिससे हमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रेन मैन प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या. तो हम मान के चलते हैं कि रेन जो है वो ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन. ओके, तो हम इसे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर. ओके, और कोई पर्सन ग्राउंड पर यहाँ पर खड़ा हुआ है. ये पर्सन ग्राउंड पर खड़ा है यहाँ पर. ओके, तो जब ये पर्सन इन रेन वाटर ड्रॉपलेट्स को देखेगा, रेन को वो देखेगा, तो उसे वर्टिकल डाउनवर्ड आती हुई दिखेगी. पर अगर ये पर्सन वी एम वेलोसिटी से मूव करने लगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब ये रेन जो है इसे वर्टिकली नहीं दिखेगी, उसे उसका रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगा. ओके, द रेन इज अपीयर्ड रिलेटिव टू द मैन. ओके, सो वी हैव टू फाइंड दिस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. कितनी डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी से उसको आती हुई वो रेन दिखेगी, उसके लिए हमको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा. हमको फाइंड करना पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और हमको यहाँ पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. रेन वेलोसिटी वेक्टर माइनस वेन मैन वेलोसिटी वेक्टर. ओके, दोनों का हमको वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट केस, इसको हम कहते हैं केस नंबर वन, है ना, केस नंबर वन. और केस नंबर वन में हम अगर इसे वेलोसिटी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले देख रहे हैं हम देख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सबसे पहले हम ग्राफिकली समझ रहे हैं कि हम डायरेक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं और न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने सबसे पहले वी एम वैक्टर वेलोसिटी ऑफ अ मैन वैक्टर कंसिडर किया विच इज़ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड वेलोसिटी ऑफ अ रेन वेक्टर विच इज़ इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. सबसे फर्स्ट केस देख रहे हैं व्हेन रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, तो अगर हमको इस वी एम को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, हमको वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होता है. तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसका हमको अपोजिट वेक्टर ड्रॉ करना रहेगा. तो हमने यहाँ पर एक अपोजिट वेक्टर ड्रॉ किया, और ये जो वेक्टर है वो है माइनस वी एम वैक्टर. ओके, और इस अपोजिट वेक्टर और जो फर्स्ट वेक्टर है, मतलब माइनस वी एम वैक्टर और वी आर वैक्टर का जो एडिशन होगा, है ना, उसी डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होगी. तो इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट देखें, तो रिजल्टेंट कहीं इस डायरेक्शन में होगा यहाँ पर. ओके, सो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. मतलब कि जब वो पर्सन, मूविंग पर्सन इस रेन को देखेगा, तो उसे इस डायरेक्शन में आती हुई दिखेगी. दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. ओके, तो यहाँ पर ये हमको एक डायग्राम मिला, एक ग्राफ मिला, एक ट्राइंगल मिला. ओके, और इस ट्राइंगल को अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो इस ट्राइंगल का जो हाइट होगा, अगर हम यहाँ पर इस एंगल को अल्फ़ा कंसिडर करते हैं, ओके, तो जो इस ट्राइंगल का अल्फ़ा के सामने जो अपोजिट साइड होगा वो होगा वी एम, है ना. आप कहेंगे कि सर यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया है. नेगेटिव साइन केवल उसकी डायरेक्शन को अपोजिट करेगा, मैग्नीट्यूड तो वी एम के बराबर ही होगा. तो इस साइड का जो लेंथ है या यहाँ पर इस साइड के बराबर, हम यहाँ पर भी एक साइड ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल साइड. तो इस साइड का जो लेंथ है वो वी एम के बराबर होगा, और इस साइड का जो लेंथ है वो वी आर के बराबर होगा. ओके, क्योंकि हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं. अब अगर हमको यहाँ पर टेन अल्फ़ा फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं वी एम डिवाइडेड बाई वी आर. ओके, वी एम डिवाइडेड बाई वी आर. और अगर हमको अल्फ़ा फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स वी एम डिवाइडेड बाई वी आर. ओके, तो ये हमको अल्फ़ा मिला, वो अल्फ़ा जिससे
जितने एंगल पर वर्टिकल के साथ में रेन उसको आती हुई दिखेगी. दिस इज द एंगल एंगल विथ विच एंगल विथ वर्टिकल. अल्फा क्या है? एंगल ऑफ अपीयर्ड अपीयर्ड रेन विथ वर्टिकल. ओके, विथ वर्टिकल. वर्टिकल के साथ में कितने एंगल पर आती हुई दिखेगी. और अगर हमको उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करना है तो ये जो हाइपोटेनियस है इसका लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं और वो होगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर का रूट. ओके, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन द नेट वेलोसिटी विल बी रूट ऑफ वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं. इसमें एक एनसीईआरटी में भी हमारे पास इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन है. ओके, हमने यहाँ पर फर्स्ट केस देखा है जिसमें हमने देखा है वेलोसिटी व्हेन रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली. हम फर्स्ट केस देखा हमने व्हेन रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ओके, और उसका हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखा. अब हम बात करते हैं जब रेन किसी एंगल थीटा पर गिरती है तो हमको कितने एंगल पर अपीयर होगी. सेकंड केस हम देख रहे हैं जिसमें रेन जो है वर्टिकली नहीं थीटा एंगल पर फॉल हो रही है. तो सेकंड केस हम देख रहे हैं केस नंबर टू व्हेन रेन इज फॉलिंग एट थीटा एंगल विथ वर्टिकल. तो यहाँ पर इसमें फिर से दो केस बन सकते हैं कि वो वर्टिकली फॉरवर्ड या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है या अंडर डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है ना. जैसे कि फर्स्ट केस, इसमें भी पहला ए केस हम देख रहे हैं कि दिस मैन इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ओके, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ वेलोसिटी एंड रेन इज फॉलिंग एट एंगल थीटा टूवर्ड्स मैन. ओके, फॉलिंग एट एंगल थीटा टूवर्ड्स मैन, थीटा एंगल पर वो ऐसे गिर रही है. तब रिजल्टेंट क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा. हमको पता है कि यहाँ पर दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर. हमको पता है कि हमको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड करना होता है. मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हमको फाइंड करना रहेगा, है ना. अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, ओके, वेक्टर, और दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर. ओके, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर. और अब यहाँ पर हमको पता है दिस एंगल विथ वर्टिकल इज इक्वल टू थीटा. ओके, हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर का अपोजिट वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर का हमने अपोजिट वेक्टर ड्रॉ किया, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर. ओके, माइनस वेलोसिटी. और अब हमको इन दोनों वेक्टर को एड करना होगा. तो जब इन दोनों वेक्टर का हम एडिशन देखेंगे तो हमको इन दोनों के बीच में कहीं एडिशन दिखेगा. सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ अ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. तो फाइनली थीटा से ज़्यादा एंगल पर आती हुई वो रेन ऐसे दिखेगी. तो मान लेते हैं ये एंगल है अल्फ़ा, ये एंगल है अल्फ़ा. तो हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं. अल्फ़ा निकालने के लिए हम फिर से एक ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे, ट्रायंगल का हम यूज़ करेंगे. ओके, सबसे पहले हम वी आर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. हमको पता है कि एक कंपोनेंट हमारे पास में वी एम बैकवर्ड डायरेक्शन में है. ओके, एक्चुअली इट इज़ माइनस वी एम. और ये जो वी आर है इसके दो कंपोनेंट हम कंसिडर कर सकते हैं. एक होगा वी आर कॉस थीटा, दैट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक होगा वी आर. इस वी आर का एक कंपोनेंट होगा जो कि इस वी एम की डायरेक्शन में ही होगा, जो कि वी एम की डायरेक्शन में ही होगा, इस डायरेक्शन में ही होगा. वो होगा वी आर साइन थीटा. अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न 100% आपको होने वाला है.
जब मैं एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करूंगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूंगा तो वो होगा वी एम प्लस वी आर साइन थीटा। आप यहाँ पर कहेंगे कि सर यहाँ पर नेगेटिव साइन है और आपने यहाँ पर प्लस क्यों कर दिया है, क्योंकि हम उसके मैग्नीट्यूड का एडिशन कर रहे हैं। ये जो वेक्टर हमको मिला है इसका मैग्नीट्यूड हमने ऐड किया है, और अगर हम उसका वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो वो है वी आर साइन थीटा। ओके, और अगर हम रिजल्टेंट की बात करेंगे, जो रिजल्टेंट है दैट इज़ वी आर विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और ये एंगल है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे टेन अल्फ़ा, और अल्फ़ा के सामने वाला एंगल जो साइड है, ये साइड कितना है, ये साइड है वी एम प्लस वी आर साइन थीटा, और बेस यहाँ पर कितना है, ये है बेस जो कि है वी आर कॉस थीटा। तो इस फार्मूले को अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो आपको वो एंगल पता चल जाएगा जिससे वो फाइनली एंगल अपीयर्ड बाय द मैन। ओके, दिस इज एंगल, एंगल ऑफ रेन, एंगल ऑफ रेनफॉल विथ वर्टिकल, रेन विथ वर्टिकल, विथ वर्टिकल अपीयर्ड, कितने एंगल पर उसको आती हुई दिखेगी, कितने एंगल पर उसको आती हुई दिखेगी, वो एंगल यहाँ से फाइंड कर लिया। फिर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि जो वी एम माइनस वी एम वैक्टर है इसका एडिशन हमको वी आर के साथ में करना है। तो हमने वी आर के दो कंपोनेंट देखे, एक वी आर साइन थीटा और एक वी आर कॉस थीटा। अब वी एम के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो वी एम के मैग्नीट्यूड के साथ ऐड हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर एडिशन किया है। ओके, और वर्टिकल कंपोनेंट तो हमको वी आर साइन थीटा पता है। अगर हमको ये ट्राइंगल को हम ध्यान से समझे, इस ट्राइंगल को हम यहाँ पर ध्यान से अगर देखते हैं तो इसका जो एंगल अल्फ़ा है, दिस इज़ द रिजल्टेंट, दिस इज़ रिलेटिव वेलोसिटी वी आर विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, ये फाइनल जो मिला हमको वो बता रहा हूँ मैं आपको, और जो बेस है, सॉरी जो इस थीटा के सामने वाला अपोजिट साइड है वो है वी एम प्लस वी आर कॉस थीटा, और जो इसका बेस है वो है वी आर साइन थीटा, सॉरी वी आर कॉस थीटा, और यहाँ पर हमको साइन थीटा लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं, ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है इस फाइनल वेक्टर के लिए बनाया है ना, इस फाइनल वेक्टर के, इट इज़ नॉट फॉर वी आर, वी आर को तो हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। तो ये बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, अगर समझ जाते हैं तो हमको ये कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, इसका बी पार्ट हम देखेंगे, जिसमें अब हम यहाँ पर हमने देखा व्हेन रेन इज़ फॉलिंग एट एंगल थीटा विथ वर्टिकल टूवर्ड्स दी मैन, पहला केस हमने देखा टूवर्ड्स दी मैन। ओके, और अब हम दूसरा केस देखेंगे जिसमें अवे फ्रॉम दी मैन का केस हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम बी केस देख रहे हैं, केस नंबर टू। ओके, और केस नंबर टू, वैसे ये थर्ड केस है, केस नंबर थ्री है एक्चुअल में, और केस नंबर टू का सेकंड पार्ट हम बोल सकते हैं व्हेन रेन फॉलिंग एट थीटा विथ वर्टिकल अवे फ्रॉम मैन। ओके, उससे थीटा एंगल्स पर दूर जा रही है ना। तो हम डायग्राम की हेल्प से और अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे कोई पर्सन है। ओके, ये पर्सन वी एम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड दिस इज अवर वर्टिकल डायरेक्शन, एंड रेन इज फॉलिंग लाइक दैट। ओके, दिस इज सेकेंड केस व्हेन रेन इज फॉलिंग एट एंगल थीटा विथ वर्टिकल, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर। नाउ अगेन वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हमको फाइंड करना है। तो हम वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करेंगे। ओके, तो अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, और दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन।
अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन को हमको अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना होता है, तो इट इज़ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन रिएक्टर, है ना। अब इन दोनों का एडिशन हमको करना है, तो इन दोनों का एडिशन यहाँ पे कहीं आ सकता है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। ओके, तो ये एडिशन जो होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ अ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर का, दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर हम इसे जो वेलोसिटी ऑफ रेन है इसका एंगल वर्टिकल के साथ में कितना है, वर्टिकल के साथ में एंगल है थीटा। इसको फिर से हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कंपोनेंट इसका होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज वी आर साइन थीटा, और एक होगा वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट जो कि होगा वी आर कॉस थीटा। ओके, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, ये जो फाइनल वेक्टर हमको मिला है यहाँ पर वी एम वैक्टर, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा वो होगा वी आर माइनस वी एम, वी आर साइन थीटा, वी आर साइन थीटा माइनस वी एम। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वी आर साइन थीटा अब पॉजिटिव डायरेक्शन में है और वी एम जो है पहले दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में थे लास्ट वाले केस में, तो दोनों को ऐड कर दिया था मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, पर अब यहाँ पे ये दोनों जो वेक्टर हैं, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा, हमको माइनस वी एम वैक्टर और वी आर वैक्टर को ऐड करना है, इसलिए हमने उसका नेगेटिव, हमने वी आर वैक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व किया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड किया, और वर्टिकल कंपोनेंट तो हमको पता है दैट इज वी आर कॉस थीटा। ओके, अब ये जो रिजल्टेंट है इसका एंगल अगर हमको वर्टिकल के साथ फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस टेन अल्फा इज इक्वल टू वी एच डिवाइडेड बाई वी आर, ये हम देख सकते हैं। ओके, और मैग्नीट्यूड भी हम इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेकर फाइंड कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास में एक स्पेशल कंडीशन बनता है, इस केस का स्पेशल कंडीशन है जिस पे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो कंडीशन है व्हेन रेन इज़ फॉलिंग एट एंगल थीटा बट अपीयर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, इस केस में एक स्पेशल केस होगा जिसमें रेन वर्टिकली दिखेगी, मतलब ये जो रिजल्टेंट है ये वर्टिकल डाउनवर्ड दिखेगा। ओके, तो वो स्पेशल केस हमको अलग से देखना है। तो ये जो थर्ड केस हमने देखा या सेकेंड केस का बी पार्ट हमने देखा, इसमें हम स्पेशल केस देख रहे हैं, इसमें हम स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, स्पेशल केस व्हेन रेन अपीयर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, जब रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई दिखे, है ना। तो इस केस में 100 हमेशा ये कंडीशन ही फुलफिल करेगी हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन को कि जब रेन मूविंग अवे फ्रॉम द मैन, है ना, ऐसा ये थीटा एंगल पर वो मैन से दूर जाती होगी तब ही ये कंडीशन हो सकता है कि वो वर्टिकली दिखे, वर्टिकली डाउनवर्ड दिखे, नहीं तो और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर, ओके, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर। अब हमको जब हमने अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर को ड्रॉ किया, माइनस वी एम ड्रॉ किया, है ना, और अब हम इस वी आर को जब दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो एक वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट आया वी आर, दिस एंगल इज थीटा। हमेशा यहाँ पर वर्टिकल के साथ में एंगल हमको गिवन होगा या फाइंड करना होगा, यही केस 99% आते हैं जिसमें हमें वर्टिकल के साथ में एंगल गिवन होता है, वर्टिकल के साथ ही एंगल फाइंड करना होता है। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो रेन रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम से थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल वर्टिकल के साथ में होता है, वहाँ पर एंगल हमारे पास में रेन रिवर की वेलोसिटी के साथ में होता है, पर यहाँ पर एंगल हमारे पास वर्टिकल के साथ होता है, तो ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करता है, इसलिए हम हमेशा वेक्टर रेजोल्यूशन की हेल्प लेंगे। यहाँ पर वी आर
कॉस थीटा वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी आर साइन थीटा। अब हमको पता है कि अगर हमको इस नेगेटिव वेक्टर को और वी आर वेक्टर को ऐड करना है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं केवल वर्टिकल कंपोनेंट होना चाहिए, मतलब ये वी एम का मैग्नीट्यूड वी आर साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड एक दूसरे को ये कैंसिल कर देना चाहिए, मतलब वी एम शुड बी इक्वल टू वी आर साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, साइन थीटा कितना होगा वी एम डिवाइडेड बाई वी आर। तो थीटा हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं साइन इनवर्स वी एम डिवाइडेड बाई वी आर, है ना। तो यहाँ पर हमको ये स्पेशल केस देखना है जिसमें रेन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस रेन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज वी आर साइन थीटा, वो मेन की वेलोसिटी को कैंसिल कर देगा, तब उसको वर्टिकली डाउनवर्ड वो दिखेगा। ओके, मतलब कि मेन का वेलोसिटी रेन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके बराबर हो जाएगा, तो वो तो उसको दिखेगा नहीं, उसको क्या दिखेगा वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट। तो नेट वेलोसिटी कितना दिखेगा, नेट वेलोसिटी दिखेगा उसको वी आर कॉस थीटा। नेट वेलोसिटी कितना दिखेगा, अपीयर्ड वेलोसिटी कितना होगा वी आर साइन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास साइन थीटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसको समझने के लिए लास्ट के कुछ लेक्चर अगर ध्यान से देखेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा रूट ऑफ वी आर स्क्वेयर माइनस वी एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वी आर। ओके, इसका वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे तो नेट वेलोसिटी जो होगा जिससे वो उसके सर पर गिरेगी वाटर ड्रॉपलेट्स वो होगी वी आर, और कॉस थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें तो हमको मिलेगा वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी आर। वी आर से वी आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो नेट वेलोसिटी जो है वो हमको मिलेगा रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। ओके, ये वैसा ही केस है जब हम रेन जब रिवर क्रॉसिंग की बात कर रहे थे और हमको शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना था, ये वही केस है, उसी टाइप का एक केस है, पर यहाँ पर एंगल हमारे पास में थीटा वर्टिकल के साथ गिवन है, तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू वी एम बाई आर आया, नेट वेलोसिटी आ गया। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है और ये केस तभी फुलफिल होता है जब दिस रेन इज फॉलिंग अवे अवे एट एंगल थीटा, एंड व्हाट इज द थीटा, दिस इज द थीटा साइन इनवर्स वी एम बाई वी आर। ओके, यहाँ पर हमने एक स्पेशल केस की बात की है और उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस किया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मेन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तब हमारा केस फुलफिल होगा, और इसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल बड़े इंटरेस्टिंग अब करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड हम जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखे हैं उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है अ मैन इज वॉकिंग विथ 3 meters per second ड्यू टू ईस्ट एंड रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड विथ 4 meters per second, फाइंड द डायरेक्शन इन विच मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला सो दैट द रेन डज नॉट वेट हिम। ओके, तो यहाँ पर हमको सिंपल सा क्लियर, ये तो फर्स्ट केस जो हमने देखा वही है, ये शायद एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है। तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, एंड मैन इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। हमको इसको यहाँ पर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, तो वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, मतलब हमको मैन का वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमको अपोजिट डायरेक्शन में इन्हें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो दिस इज माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन और इनका रिजल्टेंट यहाँ पर हमको मिलेगा, और ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर हम अगर ये एंगल अल्फ़ा फाइंड करें तो टेन अल्फ़ा कितना होगा, टेन अल्फ़ा निकालने के लिए हम ट्राइंगल का यूज़ करेंगे, ये ट्राइंगल का यूज़ करेंगे जिसका जो एंगल अल्फ़ा है ना, उसके सामने वाला जो साइड है, ये वाला जो वेक्टर है यही ये साइड होगा, तो ये जो साइड है वो है वी एम और ये साइड है वी आर, तो टेन अल्फ़ा जो होगा वो होगा वी एम डिवाइडेड बाई वी आर, मतलब कि वी एम, वी एम कितना है 3 और वी आर कितना है 4, तो अल्फ़ा कितना होगा 37 degrees, तो 37 डिग्री पर उसको उसकी अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा, ये रेन ऐसा 37 डिग्री पर उसको आता हुआ दिखेगा और उसी डायरेक्शन में उसको
अपने अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा, ओके ऐसा, तो वो बच जाएगा। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, टू अ मैन वॉकिंग एट द रेट 3 km/h, द रेन अपीयर्ड टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके, व्हेन ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 6 km/h, इट अपीयर्ड टू मीट हिम एट एंगल 45° विथ वर्टिकल, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन, ओके। तो यहाँ पर हमको कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेंगे। सबसे पहले हम केस वन की बात कर रहे हैं, ओके हम सबसे पहले केस वन की बात कर रहे हैं। केस वन में उसको वर्टिकल डाउनवर्ड अपीयर हो रही है, मतलब कि हम अगर रेन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ रेन, ओके, और इस वेलोसिटी ऑफ रेन के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वी आर साइन थीटा और एक कंपोनेंट होगा वी आर कॉस थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि ये एंगल वर्टिकल के साथ में थीटा हम मान के चल रहे हैं। हमको पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, हमको रिलेटिव मोशन फाइंड, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर ड्रॉ करके इसके साथ ऐड करना होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे को जब कैंसिल करेंगे तब वर्टिकल डाउनवर्ड अपीयर होगा। हम केस देख चुके हैं, दिस वी आर साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी एम, और वी एम का वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 km/h। तो एक इक्वेशन हमारे पास में आई, वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है, ओके। यहाँ पर हम रेन का वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, मेन ने अपने वेलोसिटी को इंक्रीज किया, ओके। केस नंबर 2 हम देख रहे हैं, केस नंबर 2 जब मेन ने अपने वेलोसिटी को इंक्रीज किया तो जो वी एम वैक्टर है अब वो 2 vm हो गया है, कितना हो गया है, 2 vm हो गया है, ओके। वी आर वैक्टर तो एज यूजल उतना ही है, दिस इज अवर वी आर वैक्टर, इसके दो कंपोनेंट होंगे, हमको पता है इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है वी आर साइन थीटा और एक कंपोनेंट वर्टिकल डाउनवर्ड वी आर कॉस थीटा, ओके, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अगर हम अब माइनस 2m वेक्टर ड्रॉ करें तो अपोजिट डायरेक्शन में हमको जाना पड़ेगा, ओके, माइनस 2 vm वेक्टर हमने ड्रॉ किया और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो यहाँ पर बीच में कहीं हमको दिखेगा, यहाँ पर कहीं दिखेगा, और उन्होंने कहा है कि ये जो रिजल्टेंट ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू m है वो 45° है, मतलब ये वाला जो एंगल रिजल्टेंट का एंगल है वो 45° है इस वाले वेक्टर का, और इस वाले वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ पर आया, ओके। तो अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें तो वो होगा 2 vm माइनस वी आर साइन थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम देखें तो वो वही है वी आर कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट तो एज यूजल है ये वी आर कॉस थीटा, और एंगल 45 है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए, मतलब 2 vm माइनस वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करेंगे, 2 vm का वैल्यू यहाँ पर 3 लिखेंगे, अल्टीमेट वो 6 हो गया, वेलोसिटी डबल कर दिया उसने, 6 कर दिया, तो ये 2 vm 6 हो गया। वी आर साइन थीटा का वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर वी आर कॉस थीटा का वैल्यू हमको मिलेगा, तो यहाँ से वी आर कॉस थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, वी आर कॉस थीटा इक्वल टू 3 हमको मिला, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा वी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ से वी आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये हमको मिलेगा 3 6, तो अल्टीमेट
यह हमको मिलेगा 9 + 9 दैट इज 18। तो वी आर का वैल्यू हमको मिलेगा √18 और इसे हम लिख सकते हैं 3√2 किलोमीटर पर आर, 3√2 किलोमीटर पर आर। और यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर है ना। तो ये रेन का वेलोसिटी भी 45 डिग्री पर ही होगा, ये थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री ही होगा। थैंक यू वेरी मच। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारे असाइनमेंट होमवर्क सेशन पे आते हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में एक आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था और उसका आंसर है टाइम की अगर हम बात करें तो 10 सेकेंड और ड्रिफ्ट की बात करें तो 50 मीटर आता है। और जो आंसर देने वाले स्टूडेंट हैं उनका नाम है वरेंडियम, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, सबसे पहले उन्होंने कमेंट करके हमें आंसर दिया है, तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब आपको आज के असाइनमेंट के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन अनसॉल्व मिलेगा और उसका आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं तो फिर से हम आपको एज अ एप्रिसिएशन अवार्ड प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।